एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए के तहत हिरासत में लिए गए मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों को लेकर चिंता जताई है। ओवैसी ने कहा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इससे सीख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमारी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि यूएपीए कानून की एक बार फिर चर्चा हो रही है। यह कानून बहुत ही खतरनाक है। इस कारण हजारों मुस्लिम, दलित और आदिवासी युवाओं को जेल में डाला जाता है और उनकी जिंदगी बर्बाद की जाती है। इस दौरान ओवैसी ने दावा करते हुए यह भी कहा कि 85 साल के स्टेन स्वामी की मौत का कारण यह सख्त कानून बना। ओवैसी बोले, स्टेन स्वामी की 2021 में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। उनको 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। इस दौरान लोकसभा में ओवैसी ने यूएपीए कानून अधिनियम विधेयक 2019 पर आपत्ति जताई और कहा कि इस कानून के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। 2008 और 2012 में कांग्रेस ने इस पर कानून को सख्त बनाया था। मैंने तब भी विरोध किया था। 2019 में भाजपा ने फिर और भी सख्त प्रावधान और छूट लेकर आई। तब कांग्रेस ने भाजपा का समर्थन किया, तब भी मैंने इस कानून का विरोध किया था।